एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे टू मिनट टॉक शो में। मैं हूं कंचन सैनी और मेरे साथ हैं हमारे डायरेक्टर मिसेस अंजना जोशी। हर बार की तरह इस बार भी अगेन एक टॉपिक लेके आए हैं कि चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल। वी आर लिविंग इन इंडिया, सो क्या स्कोप है चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल सीखने का, कहाँ काम आ सकता है, किसको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन का आज हमारे साथ आंसर देंगे हमारे डायरेक्टर। मैम बताइए, लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आती है इस चीज़ के लिए कि क्यों करें चाइनीज कॉन्टिनेंटल। चाइनीज कॉन्टिनेंटल सबसे पहले तो क्योंकि बिकॉज दिस इज अ वेरी फेमस फूड, इंडिया के अंदर में भी बहुत फेमस है और अब्रॉड कहीं पर भी आप चले जाएं, किसी भी कॉन्टिनेंट पे चले जाएं, सब कर सकते हैं। और अब किसको करना चाहिए, अगेन जैसे कि हमारा NEB पॉलिसी आया है उसके अंदर में कहा गया है कि आफ्टर 6 यू कैन लाइक शेफ भी बन सकते हैं। स्किलिंग जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा। तो आप लोग सर्टिफिकेट इन चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल करके इंडिया एंड अब्रॉड कहीं पर भी सेटल हो सकते हैं। आप इसके अंदर में होम शेफ भी बन सकते हैं और साथ साथ में बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि आप एंटरप्रेन्योर पे जा सकते हैं, आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, स्मॉल टेक अवे रेस्टोरेंट खोल लीजिए। मतलब इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंडिया और अब्रॉड में। जैसे वैसे भी मतलब अगर आप देखेंगे कि बाहर भी इंडियन शेफ्स की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, चाहे वो बेकरी के अंदर रहे या कॉन्टिनेंटल में रहे, इंडियन तंदूर तो खैर है ही है इंडिया का। तो इस तरीके के हमारे बहुत सारे कोर्सेज जो अवेलेबल हैं, दैट इज ऑनलाइन पे भी अवेलेबल है, ऑफलाइन पे भी अवेलेबल है। सर्टिफिकेट इन चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल भी है, डिप्लोमा इन कलनरी स्किल्स में भी हम चाइनीज कॉन्टिनेंटल को कवर करते हैं। ऑनलाइन के लिए आप हमारी वेबसाइट theilearning.com को विजिट करिए, ऑफलाइन के लिए www.nfcihospitality.com। इसके अलावा हम सोशल मीडिया पे हम हमारा पिंट्रेस्ट पे फॉलो कर लीजिए, हमारे को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, गूगल पे, कहीं पर भी, हम सब जगह पे, यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे शोज भी इस तरीके के, और हमारे को फॉलो करिए, देखिए। और ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए अपने नियरेस्ट सेंटर को जरूर विजिट करें। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।